कानपुर देहात में थाना शिवली में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 साल बाद महिला के परिजनों को न्याय मिला है। कोर्ट ने महिला के पति को आरोपी मानते हुए 10 साल कैद व 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कानपुर देहात के शिवली अटिया के निवासी नारायण दत्त की पत्नी वंदना की 18 सितंबर 2017 को संदिग्ध हालत में फांसी लगाने से मौत हो गई थी, जिसके बाद डुडवा जमौली थाना निवासी राम गोपाल ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर दामाद व उसकी माँ पर बेटी वंदना की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं शिवली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।